इस कहानी की शुरुआत हुई थी कुफरी में। उस दिन हम बच्चों को तैयार कर बाहर ले गए थे स्नो एक्टिविटीज के लिए। कम से कम 1 से 1.5 फुट स्नो ऑलरेडी जम चुकी है। इट्स वेरी एक्साइटिंग, पीपल आर हैविंग फन। देखते हैं एडवेंचर पार्क खुला है कि नहीं। एडवेंचर रिजॉर्ट्स का तो मिस एडवेंचर हो गया, नो चांस एट ऑल। अब इतनी तैयारी के बाद तो बच्चे मानने वाले नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम वापस होटल की तरफ चलेंगे और वहां एक अच्छा सा स्पॉट देखकर स्नोमैन बनाएंगे। और वहां हमारी मुलाकात हुई भूमि से और हम सब मिलकर स्नोमैन बनाने लगे। लेकिन कुछ ही देर में स्नोफॉल बढ़ने लगा और भूमि की दादी ने डांट कर हमें अंदर भेज दिया। आंटी के चलो, आंटी कह रही चलना चाहिए अब। यस खत्म। जा रहे। अब इतनी देर स्नो में चलने के बाद और स्नोमैन बनाने के बाद हमारी तो हो गई थी बैटरी डाउन, लेकिन हमारे साथ ये जो दो डूरासेल बनीस थे, इनकी बैटरी का लेवल अभी भी फुल था और वो बोर होने लगे। लकीली हमने इसका इंतजाम कर रखा था। ऐसे जैसे बिया कर रहे। अच्छा, इसको सब बाइंड करके इसको फ्लिप ऐसे करके फ्लिप हाँ, करेंगे इसको ऐसे ऐसे फाड़ के ऐसे रबर बैंड करके और एक आधा करके ऐसे करेंगे फिर। वेरी गुड। तो ये इसमें और हम इसमें देख के कलर करेंगे। तो बटरफ्लाई लाइफ साइकिल मूवी इन योर हैंड्स, तो इसकी बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल की मूवी बन जाएगी इसमें। यस। वेरी गुड। ओके, दैट्स नाइस, गुड एक्टिविटी। थैंक यू। स्नो का हो गया काम आपका बाहर का? यस। आज हमारे यहाँ का मौसम भी कुफरी की तरह ठंडा और गीला है और बच्चों को एक बार फिर से अपनी फ्लिप बुक की याद आई। लेकिन ये जो है सारे पेजेस मिक्स हो गए हैं, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। दो बुक का तुमने सब मिला के एक कर दिया। तो जब ये फ्लिप बुक बन जाएगी, अगर हम ठीक से बनाएंगे, तो जैसे ये फ्लिप बुक है जो मैंने एकदम संभाल के रखी है, इसको देखो, इसमें जुरासिक पार्क का एक सीन है। ऐसी ये फ्लिप बुक बनेगी, ठीक है? ये हमको ट्राई करनी है, लेकिन तुमने सारे पेजेस मिक्स कर दिए। ये 5 है, ये 6 है, 1 किधर है? सारे पेजेस अभी तुमको चेक करने पड़ेंगे। पूरा खबरे साथ 41 है इसमें, 41 है, ठीक है? ये भी तेरा, ये नेत्रा का, ये नेत्रा की लग रही है, ठीक है? ये मेरा है। ये तेरा है? ये मेरा। ये किसका है? ये भी मेरा और ये मेरा। रुक जाओ, इसमें 60 पेज पे आ गए अभी हम, कुछ पेज जुड़े हुए। रुको। और ये किसके हैं? तो ये जो है इसको ये आ गया 1। रखो, ये 1 ऐसे रखा हुआ है, ये 2, ध्यान दिया 92 हो गया, ये ले 93 रखो उसके ऊपर। मूवी बनेगी इसकी अभी, उसमें 96 फ्रेम्स हो गए, 96 शीट्स है ना ये, इनको हम जोड़ेंगे और जब इनको फ्लिप करेंगे तो इसमें मोशन आ जाएगी। यस, जैसे इस, हाँ जैसे इस पे देखा था ना अभी आपने। तो ये जो आपकी फ्लिप बुक एक्टिविटी है, ये आपने कुफरी भी स्टार्ट की थी? यस। वहाँ आपने कलर किया था? यस। उसके बाद में ये पाइल, बाइंड और प्ले हमने आज कर दिया है। यस। तो ये नकुल की जो है फ्लिप बुक, ये रेडी हो गई है। यस। ओके, इस फ्लिप बुक में आपको एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलेगी। ये। जिसके 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? सबसे पहले एक बटरफ्लाई जो है, ये काला काला कैसे किया, ऐसे क्यों कर दिया बेटा? इसमें ना एक्चुअली बटरफ्लाई ने एग डाला था, वो एग रखा था, वो तुमने सारा काला काला कर दिया। पहले एग बनता है, बटरफ्लाई जो है वो एग देती है, फिर वो एग में से टूट के उसमें से कैटरपिलर निकलता है, ठीक है? फिर ये कैटरपिलर क्या करता है, अपने जो शेल जिसमें से निकलता है उसको खा के स्ट्रांग होता है, फिर ये लीफ को खाता है और सारे लीव्स खाता है और खाते खाते ये बड़ा होता जाता है, ठीक है? देख रहे हो इधर, अब तुमने ये बड़ा होके ये देखो ब्रांच पे आ गया इधर। yes. ये फिर उसको खाने लग गया, जो ट्री के और पार्ट्स को खाने लग गया। ओके। yes. okay? ऐसे करते करते ये स्ट्रांग होता जाता है। yes. और फिर जब इसका पेट अच्छी तरह से भर जाता है, ये बड़ा हो जाता है, तो ये ऐसे जाके लटक जाता है और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है? ये पूप बन जाता है, प्यूपा। प्यूपा। और ये जो है ये लेयर इसके ऊपर आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। इसके अंदर इसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है? और 15 डेज के बाद में
ये जो है अपना उसका जो लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर, वो खुलती है और उसमें से क्या निकलता है, बटरफ्लाई, छोटी बटरफ्लाई निकलती है। फिर वो बटरफ्लाई धीरे धीरे कुछ घंटों में उसके विंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं और वो उड़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। एक बार मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोमॉर्फोसिस नहीं, मेटा 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 मॉर्फोसिस। ओके, तो हम देखेंगे इधर ये एग से शुरू होगा ऐसे करके और उसके बाद में इसमें से निकलेगा कैटरपिलर। आ गया, कैसे कलर अलग अलग कलर कर दिया। कैटरपिलर नीचे गिरा पेड़ पे, खाने लग गया, बड़ा होने लग गया। अब बड़ा होने के बाद में ये उसकी चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर आ गई और उसमें से निकली बटरफ्लाई। ये हो गई नकुल की फ्लिप बुक, बटरफ्लाई। नकुल देखो कर रहे हैं। ओके नित्रा पीछे हो जाओ। ये है नित्रा की, देखो हैप्पी, इसमें दिखाओ। लेकिन ऐसे करके तो उल्टी दिखेगी ना, तो ये आपकी फ्लिप बुक बन चुकी है। ये तो एक छोटा सा टास्क था, इससे बड़ा भी एक टास्क है जिसका हमें समाधान निकालना है और वो है अपने घर की दीवारों और इस देश के जंगलों को अपने आर्टिस्ट से बचाने का। जी हाँ, हमारे घर की कोई भी दीवार या कोना इनके आर्टवर्क से बचा नहीं है और पेपर्स की डिमांड तो लाल चंदन से भी ज़्यादा है। चलो 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 चलो, ये जो प्रोडक्ट है ये शायद हमारी समस्याओं का समाधान बन सकता है। ले लो, से थैंक यू। ओटीपी आएगा? नहीं सर। और थैंक यू मनप्रीत। चलो देख के मैं आ रहा हूँ ऊपर। आप लोग लिख सकते हैं उसके ऊपर जो आपको लिखना है। इसको इरेज करो नकुल, इरेज हो गया। नित्रा दबाओ जरा बटन, ये नहीं इरेज, दूसरा बटन है बेटा इरेज का, ये इरेज हो गया। नकुल यू कैन ऑल्सो इरेज इट, करो तो पेपर तो बचेगा ऐसे। ऑल राइट, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नकुल आपके पास क्या है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और चैनल का नाम है होम स्कूलिंग।